अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब फ्रेश। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में आपको अनाउंस होने वाली स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगी, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी स्टेटमेंट स्किप ना हो जाए। जी तो दोस्तों, आपको बताती चलूँ, पंजाब एजुकेशनल फंड की तरफ से जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है PEF की तरफ से, और इसमें आपको बताते चलें, इसमें आपको मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। तो आपने जो है वीडियो को गौर से सुनना है। वीडियो को देखने से पहले आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है ताकि हमारी डेली आने की अपडेट जो आती है रिवॉर्ड्स की डेली, वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब आपको बताते चलें कि आपने जो है सबसे पहले क्या करना है। आपने गूगल पर जाना है और वहाँ पर हमारी वेबसाइट को सर्च करना है, jobfresh.info, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके सामने पहला लिंक है, यहाँ पर क्लिक करके आपने हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ पर आपको इसकी पोस्ट नज़र आएगी, आपने उस पोस्ट को ओपन करके रीड कर लेना है। वहाँ पर आपको इसका ऐड मिलेगा। तो अब जो है मैं इसका ऐड ओपन कर लेती हूँ ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि इसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर अनाउंस की गई है, इसमें जो है हुकूमत का पंजाब की तरफ से जो है वो कैंडिडेट्स जो है होनहार कैंडिडेट्स हैं तलबा तलबात के लिए आला तालीम के लिए जो है स्कॉलरशिप का प्रोग्राम यहाँ पर अनाउंस किया गया है। और इसमें जो है इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है 2020 और 2021 की जो स्कॉलरशिप्स अनाउंस की गई हैं, तो इसमें आपको बताते चलें कि अगर आपने जो है मैट्रिक या इंटरमीडिएट का जो है आपने एग्ज़ाम आपने जो है फाइनल एग्ज़ाम आपने पास कर लिया है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें, फर्स्ट कंडीशन है जिसमें जो है ये तीन मतलब कि जो है तलबा वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तलबा और तलबा जिनके जो है वालिद जो है वफात पा चुके हैं, या इसके अलावा जो है ग्रेड वन और फोर, वन से लेकर फोर तक जो है जिनके, यहाँ पर आपको बताते चलें जिनके फादर जो है सरकारी मुलाजमीन के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपको बताते चलें अकलीतों का भी यहाँ पर कोटा है, और इसके अलावा जो है मजदूर अफराद के लिए भी यहाँ पर कोटा है। और इसके अलावा जो है वो कैंडिडेट्स जिनके जो है फादर शहीद हो चुके हैं, मतलब कि यहाँ पर जो दहशतगर्द हमलों होते हैं उसमें जो है वो कैंडिडेट जिनके फादर शहीद हो चुके हैं वो जो है सिविलियन के बच्चे वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको बताते चलें कि इसमें जो है आप लोग कौन कौन से आपके एजुकेशन होनी चाहिए तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग जो है यहाँ पर अगर आपकी मैट्रिक इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन है तब आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो है इंटरमीडिएट आपका जो है इसमें जस्ट जो है पंजाब के डोमिसाइल होल्डर मतलब कि वो कैंडिडेट्स जो यहाँ पर फेडरल जो है गवर्नमेंट से आप लोग जो है इम्तहान आपने पास किए हुए हैं, मतलब कि पंजाब के FPISC जो है आपने वहाँ से आपने जो है अपनी एजुकेशन आपने कंप्लीट की है, FPI के थ्रू आपने जो है अपने फाइनल एग्जाम में आपने दिए हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं इंटरमीडिएट वाले। और इसके अलावा आपको बताते चलें मैट्रिक वाले 60% मार्क्स के साथ, अगर आपके 60% मार्क्स हैं तब आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि वो कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई करेंगे उनकी जो है फादर जिनके ज़िंदा हैं तो वो जो है उनके फादर की जो है सैलरी उनकी जो है 23,000 रुपये से जो है इससे कम हो तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके फादर जो हैं एक से या चार ग्रेड से, एक से लेकर चार ग्रेड के तक सरकारी मुलाजमीन है आपके फादर, उनकी जो है तो सैलरी उनकी 23,000 है तब आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो है अगर आपको बताते चले 23,000 से कम सैलरी होगी तब आपके जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो कैंडिडेट्स जिनके फादर की सैलरी में जो है 23,000 से कम होगी, अदरवाइज़ आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कैसे करवानी है। यहाँ पर आपको जो है इनका एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो स्टूडेंट PF.org.pk से यहाँ से आप लोग ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और इनका जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों ने जो सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं www.pf.org.pk। आप लोगों ने जो है यहाँ से इनका जो है एप्लीकेशन फॉर्म अपने जो है डाउनलोड करना है, या आप लोग जो है वजीर डाक भी आप वहाँ से जो है आप बाई पोस्ट भी आप भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको जो निजी एड्रेस दिया गया है पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड PEF, यहाँ पर आपको जो है ऑल टाउन स्टेशन रावलपिंडी रोड, यहाँ पर आप जो है सेंड भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। तो अब आपको बताते चलें कि इसमें जो है यहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर फाटा से और ICT से के जो है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपको बताते चलें कि इसमें जो है यहाँ पर आपका जो है
अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन या वज़ीरे डाक, आप जिस तरह से भी अप्लाई करेंगे, आपका जो है यहाँ पर इंटरमीडिएट वालों की जो है 19 मार्च है, और इसके अलावा जो है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए, वो जो कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएशन की जो है इनकी कंप्लीट है, उनके लिए जो 31 मार्च है, आप लोगों ने 19 मार्च या 31 मार्च से पहले पहले तक अपनी जो है आपकी क्वालिफिकेशन अगर इंटरमीडिएट है तो आपने 19 मार्च से पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवा देनी है, या आपकी 31 मार्च अगर आप जो ग्रेजुएशन है तो आपने 31 मार्च से पहले पहले तक आपने जो है अपनी वज़ीरे डाक या आपने जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपनी करवा देनी है। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसमें अप्लाई करने में कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।